तकाजों के मुताबिक इस तरह की जालिम सजा माफ करेंगे। मुमताज कादरी नामी शख्स जो कि बजाहिर पुरसुकून अंदाज में कह रहा है कि उसने सलमान तासीर को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो गुस्ताखे रसूल थे। सलमान तासीर की आपने बात की, जिस शख्स ने उसको मारा व्हाटएवर वाज द बैकग्राउंड वो शख्स कातिल है, उसको कातिल होने की हैसियत से सजा मिलनी चाहिए थी। अब पादरी मुमताज कादरी के खिलाफ भौंकता बेगैरत, ये हुक्मरान समझते हैं कि हमने गाजी को फांसी लगा लिया, तुम इंतजार करो अर्श का रब तुम्हारे साथ करने वाला क्या है, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। यू विल फाइंड दैट आसिया विल बी लीविंग वेरी सून, बट आई कैन अश्योर यू शी इज सेफ एंड शी विल बी लीविंग इन वीक्स। क्या हम कोई गुलाम है। आसिया बीबी बैरून मुल्क चली गई है, करीबी ज़राए के मुताबिक आसिया बीबी कैनेडा मुंतकिल हो गई है। फ्रांस में एक बार फिर तौहीन रिसालत पर मबनी खाकों ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मजहबी कार्टून को शाया करने से पीछे नहीं हटेंगे। फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज बयान और इकदाम पर वजीर आजम इमरान खान, जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, इसका मतलब बेरोजगारी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। मैं हमेशा उनके लिए ये दुआएं जलाल करता हूँ, या अल्लाह जिना क्रैक डाउन का आर्डर किया, जेड़े आर्डर से चल के जिना जुलम किया, उन्होंने दुनिया आखरत बर्बाद कर कि उन्होंने नस्ल में याद रखा कि दीन इस्लाम के खिलाफ हरकत करने वाले नु तू क्यों जी सजा देगा। खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालत लगाई। क्या ले सारे गिन ले, इन्हें कल्या कल्या जलील करके मारे, क्या ले इन्हें कल्या कल्या करके मारना है।